कुछ दिनों से इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायलिसिस करने की प्रक्रिया को बंद किया गया था, जिसे अब पुनः चालू कर दिया है। सुपर स्पेशलिटी में आयुष्मान कार्ड से भी डायलिसिस निशुल्क किया जाएगा। इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कोविड-19 के बाद से डायलिसिस बंद कर दिया गया था, उसे अब वापस चालू कर दिया है। मरीजों की समस्याओं को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने डायलिसिस चालू कर दिया है। डायलिसिस की प्रक्रिया आयुष्मान कार्ड से भी करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड में डायलिसिस निःशुल्क रहेगा और जो पेशेंट आयुष्मान कार्ड नहीं रखेंगे उनको नॉर्मल फीस लेकर डायलिसिस किया जाएगा। पहले से दो प्रक्रियाओं में ये किया जाएगा। एक प्रक्रिया में जो भी पेशेंट आता है उसको अपॉइंटमेंट लेकर डायलिसिस किया जाएगा और दूसरा कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसको इमरजेंसी में डायलिसिस किया जाएगा। इसके लिए आज जो हमने पेशेंट लिए हैं ये आयुष्मान के ही पेशेंट हैं, आयुष्मान के ही तहत इनका डायलिसिस हो रहा है। बाकी जो प्रणाली रहेगी, जो पेशेंट के चार्जेस रहेंगे, वो प्रशासन निर्णय लेगा, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो बेसिकली हमारा प्रयास यही है कि हम एक क्वालिटी डायलिसिस इंश्योर कर सकते हैं। मरीजों के लिए कई तरीके रहेंगे आने के लिए, उनमें से जो मुख्य तरीका रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि पेशेंट ओपीडी में हमारे पास आ रहा है, ओपीडी से हम उसे एडमिट कर रहे हैं, उसका डायलिसिस हम अपने पास में स्टार्ट कर रहे हैं और ये इंश्योर करें कि उसको एक अच्छा डायलिसिस मिल सके। दूसरा तरीका रहेगा कि कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है, इमरजेंसी में उसको डायलिसिस की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ से ही वो उसकी शुरुआत कर सके। तो अभी हम इन मुख्य रास्तों से चलना चाह रहे हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड होता है। आयुष्मान के तहत आएगा उसको किस तरह की सुविधा जो डायरेक्ट आएगा? आयुष्मान से जो आएंगे उनको जिस तरह से एमवाई में आयुष्मान का चलता आ रहा है उन्हें फ्री ऑफ चार्ज ही मिलेगा। बाकी जो नॉन आयुष्मान के पेशेंट्स हैं हमारे, उनका जो कंडक्ट रहेगा या जो उनका एसओपी रहेगा वो अभी निर्णय लेना बाकी है।